वेलकम टू मिशन एपीएससी एजे यूट्यूब चेनेल आज आपलोगोर लैसो कईटाम जब वेकेंसी नोटिफिकेशन एक कटा वेकेंसी जल जीवन मिशन और एस बी एम यह दूटा मिशन अंडर विशेषकर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटर बरपेटा डिविजन एक कटा पोस्ट ऊल्से प्रथम पोस्ट से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आई एम आई एस इतने नम्बर अफ पोस्ट आसा और इतने क्वालिफिकेशन विचार से बी बीटेक इन कम्पिटर सायन्स एंड इंजीनियरिंग सो इतने मेनलि सेलरि रखा है 32,000 और एक्सपीरियंस हिसाब से 2 years एक्सपीरियंस रखा है मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम एज लिमिट 40 years तेनेधरणे सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वेकेंसी किसान आस लाइक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट खाली हुई है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट मेनलि बी सिविल बीटेक सिविल पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियल वर्क एक एडुकेशन क्वालिफिकेशन राखी से अर्थात अपना जो सिविल बीटेक कर एप्लाई कर पड़े इतने सेलरि रखा है 35,000 इतने मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस विचरा रिलेवेंट फील्ड और इतने मेनलि मैक्सिमम एज रखा है 40 एंड मिनिमम एज रखा है 21 तेनेक टेक्निकल ऑफिसर टूर वेकेंसी ऊल्स टेक्निकल ऑफिसर टूर वेकेंसी मेनलि जल जीवन मिशन ऊल्से और तेज डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विचार से अर्थात जिस डिप्लोमा कम्प्लीट कर सिविल इंजीनियरिंग एप्लाई कर पड़े सो इतने सेलरि रखी रखा है 25,000 बट 1 year एक्सपीरियंस विचार से रूरल डेवलपमेंट तेनेकरण रूरल डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटेड काम एक्सपीरियंस विचार से तार पे नेक्स्ट पोस्ट ऊल्स टेक्निकल ऑफिसर एस बी एम एस बी एम टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट खाली से इतने अपने जो डिग्री डिप्लोमा करते दुटा इतने एप्लाई कर पड़े अपने जो ऑनलि डिग्री करते टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट एप्लाई कर पड़े ऑनलि डिप्लोमा करते एप्लाई कर पड़े सो इतने सेलरि रखा है 30 years बट सेलरि रखा है 30,000 और मैक्सिमम एज लिमिट 35 years रखा है और 1 year एक्सपीरियंस विचरा डिग्री होल्डर कारण और डिप्लोमा होल्डर कारण 2 years एक्सपीरियंस विचरा कैने के एप्लाई करिबो इतने गोटेखिनि मेन्शन आसे आपनालोके डायरेक्टली मेल करिबो लागिबो recruitpacbar@gmail.com सो हे जिमेल आईडी तो जितु मेन्शन करा आसे हे जिमेल आईडी तो आपनालोके निजर निजर डकुमेंट्स खिनि पठाबो लागिबो और ये डकुमेंट खिनि 2nd March आगतियक पठाबले इते मेन्शन करा इतने कि फर्म लगे गोटेखी इतने मेन्शन करके रिलिवेंट नोटिस चाह लो पे सो सीखे आज जॉब नोटिफिकेशंस थैंक यू फॉर वाचिंग।